अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे वाह, देखो भगवान के घर से प्रसाद भी आ गया साहेब। वाह वाह वाह। अमोल बाबू, जंगल से भी सारा स्मगलिंग का सामान आ जाता है। हम आपको रूट तो सारा बता ही चुके हैं, और हाँ, वो जेलर से कहिएगा कि राका का जरा ख्याल रखे। कहा है ना कि हम इन चित्ताओं के भाग्य विधाता है, तो उसकी रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। जी ठाकुर साहब, मैं समझता हूँ आपके बड़प्पन को, लेकिन कल रात को क्या रक्षा करते करते भाग्य विधाता के हाथों उस चित्ता लड़की की जान जाने वाली थी? भगवान का डर ही उसकी आस्था है अमोल बाबू, और हम इन चित्ताओं के भगवान हैं। वैसे भी अब हमारे बंदूक की आवाज सुनने के बाद उस चित्ता छोकरी कोई बेवकूफी करेगी नहीं। साहिब, प्रसाद आ ही गया है तो निकाल ही लेते हैं। हे देवता, अब का होगा? मदद कीजिए देवता, बचा लीजिए जग्गू को। अगर आज वो सरकार के हाथ लग गई तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे। किसने पत्थर फेंका? मैं पूछ रहा हूं कि किसने पत्थर फेंका? किसकी इतनी जरूरत जो ठाकुर साहब की गाड़ी पे पत्थर फेंके? कौन है? बाहर निकलो। और तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर देखो किसकी शामत आई है। कुमार जा उधर जा, यादव वहां देख। ए, कौन है रे? सामने आओ। रुको सिंह। ठाकुर साहब काहे परेशान हो रहे हो अमोल बाबू? यही मोक्षगढ़ है। पूरे का पूरे मोक्षगढ़ में किसी की इतनी मजाल नहीं कि कालीकांत ठाकुर की गाड़ी पे पत्थर फेंक सके। अरे जरूर कोई बंदर बंदर होगा। बिल्कुल सरकार, सही कह रहे हैं आप। ए कुमार वापस आओ, यादव वापस आओ। चक्कू, तू काहे खुद को खतरे में डाल देती है? आज तू आ हमारे पकड़ में, फिर ना हम तुमको सच में सौतेली माँ वाला रूप दिखाते हैं। अभी पापा देख रहे थे तो गेम ओवर हो जाता। क्लोज शेफ, क्लोज शेफ। सेफ सेफ का बोल रहे हो तुम? अरे मतलब हम अभी बाल बाल बच गए। पकड़े जाते ना? कैसे पकड़े जाते?
होते वक्त था हमारे पास, वो तो तुम्हारी सास ऊपर नीचे हो रही थी, इसलिए हम धीरे भागे। इतना देर में ना हम चीकू को चार बार पकड़ लेते जंगल में। लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा ना करे तो और क्या करे? तीन गो तो अच्छा कपड़ा था हमारे पास, उनमें से एक तो तुमने फाड़ दिया। सॉरी, माफ कर दो मुझे। उस समय मुझे लगा कैसे भी तुमको वहां से निकालना। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बस हमारी मदद कर रहे थे ना। अच्छा अभी से छोड़ो, वो जल्दी से पुलिस वाले पोथी को ढूंढते हैं। तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया। दिखता छोटा और मेरा वजन बहुत ज्यादा है, मैं रोज मतलब लसी से आ जाता। आकाश लसी निकाल लो। हाँ निकाल रहा हूँ। सर सर वो जरा खाना खा ले। अरे यादव जी कितना खाना खाओगे भाई, पेट निकलता जा रहा है तुम्हारा, थोड़ा फिटनेस में ध्यान दो। जी सर। अच्छा ये बताओ नए चित्ता की एंट्री होगी ना फाइल में? सर आदेश का तुरंत पालन किया गया है। अच्छा तो सुनो ये सारी फाइलें ना छुपा दो, ठीक है? ठीक है। कौन है, कौन है वहां, कौन है, है? कौन है? बाहर निकलो। हम क्या करें, हम तो पकड़े जाएंगे। तुम डरना मत, ठीक है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।